स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी के थ्रू, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपका जो एक पोस्ट है नगर कार्यपालक पदाधिकारी का, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, उसके जॉब प्रोफाइल को देखेंगे, इसका जो है प्रमोशन, पोस्टिंग, सैलरी, ठीक है, हर चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पर एक नज़र डालें तो पोस्ट का नाम जो है आपका म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, यानी कि MEO, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। डिपार्टमेंट जो है इसका वो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पद आता है। ग्रेड पे इसका 4600 है और लेवल 7 में ये आता है। इस पोस्ट का ग्रुप जो है वो बी है, ग्रुप बी का ये पद है और नेचर इसका गजटेड है, ठीक है, राजपत्रित पद है ये। 4600 ग्रेड पे में रहते हुए भी इसको राजपत्रित रखा गया है। क्वालिफिकेशंस इसके लिए ग्रेजुएशन है, किसी भी डिसिप्लिन में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस कैडर और सर्विस का बात करें तो कैडर नेम जो है इसका वो बिहार म्यूनिसिपल सर्विस है, यानी कि BMS, जिस तरह से बिहार प्रशासनिक सेवा होता है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस SDM के लिए, उसी तरह से बिहार म्यूनिसिपल सर्विस हुआ इसका कैडर नेम BMS। लेवल जो है कैडर का, लेवल इसका स्टेट लेवल का ये कैडर है, ठीक है, और स्टेट लेवल कैडर होने के कारण इसका जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगा वो आपका राज्य स्तर पर होगा, स्टेट लेवल पर होगा आपका, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कैडर, इस कैडर के स्ट्रक्चर का बात करें, संरचना का बात करें तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी का जो पद होगा वो मूल कोटि का पद होगा। किसी भी कैडर का जो मूल कोटि का पद होता है, ठीक है, उस पर 100% सीधी नियुक्ति से उस पद को भरा जाता है। तो BPSC के थ्रू जो है 100% इस पद का जो है, ये मूल कोटि का जो पद है आपका नगर कार्यपालक पदाधिकारी का, वो 100% BPSC से भरा जाता है। अगला जो प्रमोशन आपका होगा, फर्स्ट प्रमोशन, वो उपनगर आयुक्त के पद पर होगा, पहला प्रमोशन। सेकंड प्रमोशन वहीं पर आपका अपर नगर आयुक्त के पद पर होगा और तीसरा जो प्रमोशन होगा यानी कि लास्ट प्रमोशन, वो नगर आयुक्त, इसमें आप जो है नगर आयुक्त बन जाएंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से है, क्योंकि पोस्टिंग आपका इसी सब में होना है, इसीलिए पहले स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ऊपर जो होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे ऊपर आपका जो है नगर निगम होता है, ठीक है, उसके बाद नगर परिषद होता है और सबसे नीचे फिर जो है नगर पंचायत होता है। तो नगर निगम में मेयर और मेयर जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और नगर आयुक्त जो होते हैं वो कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं नगर निगम के। उसके बाद नगर परिषद में आप देखेंगे तो मुख्य पार्षद होते हैं यहाँ पर अध्यक्ष, और कार्यपालक पदाधिकारी जो होते हैं ये कार्यपालक पदाधिकारी ही होते हैं, क्योंकि नाम यहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी ही रखा गया है जिसका हम अभी बात कर रहे हैं। उसके बाद नगर पंचायत में भी जब आप देखेंगे तो मुख्य पार्षद यहाँ भी होते हैं अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ पर वही सेम नाम इनका भी यहाँ पर रखा गया है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब पोस्टिंग जो आपका होगा, तो जैसा कि हम डिस्कस किए कि मूल कोटि का पद है नगर कार्यपालक पदाधिकारी, तो मूल कोटि में जब आप BPSC क्वालिफाई करके आएंगे तो आपका जो पोस्टिंग है वो नगर पंचायत या नगर परिषद, ठीक है, नीचे का जो दो लेवल है नगर पंचायत या नगर परिषद में आपका पोस्टिंग होगा कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, ठीक है। अब प्रमोशन जब आपका होगा तो प्रमोशन के साथ ही आपको जो है आप हो जाएंगे नगर निगम में, आप चले जाएंगे प्रमोशन के बाद आप नगर निगम में चले जाएंगे, और सबसे पहले जब आपका प्रमोशन होगा तो उप नगर आयुक्त बनेंगे, ये भी नगर निगम का पद है, अपर नगर आयुक्त है, उसके बाद जो है नगर आयुक्त लास्ट में। तो नगर आयुक्त जब आप बनेंगे तब आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर निगम कहलाएंगे, ठीक है, और उससे पहले जो है उप नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त के पद पर भी आप नगर निगम में ही रहेंगे, लेकिन आप वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वहाँ के ऑफिस इंचार्ज नहीं होंगे, नगर आयुक्त वहाँ के ऑफिस इंचार्ज होते हैं नगर निगम के। बाकी मूल कोटि में आप नगर पंचायत और नगर परिषद में जो है यहाँ पर ऑफिस इंचार्ज होंगे, इन दोनों का जो है कार्यपालक पदाधिकारी होंगे वहाँ पे आप, ठीक है। अब एक नज़र आप डाल लीजिए, क्योंकि पंचायती राज रूरल लोकल बॉडीज जो है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, तो यहाँ पर कंपेयर करके तीनों लेवल में आपको बता रहे हैं ताकि समझने में आसानी होगा और सीन थोड़ा सा जो है क्लियर हो पाएगा यहाँ से। तो लोकल बॉडीज जो है आपका अर्बन और रूरल, ठीक है, तो अर्बन में आपका म्यूनिसिपैलिटी आ गया और लोकल में जो है आपका, रूरल में जो है वो पंचायती राज है। तो
यहाँ पर जो है अर्बन में आप देखें कि सबसे ऊपर नगर निगम, उसके बाद नगर परिषद, उसके नीचे नगर पंचायत। उसी तरह से पंचायती राज में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जिला परिषद सबसे ऊपर, उसके नीचे होता है पंचायत समिति, उसके नीचे होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिए कि मेयर, मेयर अध्यक्ष, अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी जो है यहाँ पर मेयर और नगर आयुक्त यहाँ पर हो गया। नगर परिषद में आप आएंगे तो मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी, फिर नगर पंचायत में जब आप आएंगे तो मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ पे भी। उसी तरह से पंचायती राज में जब आप देखेंगे तो जिला परिषद में जैसे अध्यक्ष और DDC, ठीक है, उसी तरह से पंचायत समिति में प्रमुख एवं BDO, उसी तरह से जब ग्राम पंचायत में जब आप आएंगे तो मुखिया एवं पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव। ठीक है, तो ये था कुल मिलाकर के, इससे आपको जो है एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपका जो है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में जो है नगर पंचायत और नगर परिषद में जो है पोस्टिंग होगा। ठीक है, अब सैलरी जो होगा आपका, वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 17% पे फिलहाल जो है DA फ्रीज किया गया है कोरोना के कारण, तो 17% DA ऑनवर्ड्स से जो है हम बात करेंगे। और कुल मिलाकर के ये 17% के लगभग में 17% पे कैलकुलेशन है, तो ग्रेड पे आपका जो है 4600 यानी कि लेवल 7 बेसिक पे जो है इसका ये 44900 होता है इसका बेसिक पे 4600 ग्रेड पे का। ग्रॉस सैलरी इसमें जो बनेगा आपका वो 64000 के लगभग, यानी कि उससे प्लस, जैसे जैसे DA आपका जो है इससे इंक्रीज करेगा, ठीक है, इससे प्लस ही जाएगा। डिडक्शन जो है इसमें NPS के लिए वो आपका 12000 के अप्रोक्सीमेट जो है वो डिडक्शन हो जाएगा, और इन हैंड सैलरी जो है आपका वो 52000 प्लस जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के, ठीक है, 50000 से ऊपर आपका जो है इन हैंड जो आपके खाते में आएगा सैलरी, उसका हम बात कर रहे हैं, तो 50000 से ऊपर ही आपके खाते में इस पोस्ट में सैलरी आएगा। तो कुल मिलाकर के यही था म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में, यानी कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।